ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। ध्यान देते तो ये समस्या आज नहीं होती। हम लोग तो जैसे ही आए हम लोगों ने तो इसको तुरंत ले लिया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजरल चीजें होती है तो काम भी जो शुरू हुआ है मॉनसून में अभी शुरू किया। अभी मैंने एक तो शिलान्यास किया था इसके ड्रेनेज वाले काम का, बाकी काम मेरा यही था कि मॉनसून के बाद तुरंत शुरू करेंगे ताकि नेक्स्ट मॉनसून से ये प्रॉब्लम नहीं आए। पूरे जयपुर में हम लोग इस पे ध्यान देंगे। जो कि एक वाटर पंपिंग मशीन है ना, वो भी हम लोगों ने अभी एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट की बात की है कि उसमें भी थोड़ी सी कम है जयपुर में, वो भी अगर हो जाएंगे तो ये जैसे ही पानी भरता है हर विधानसभा क्षेत्र में अगर अवेलेबल होगी तो उसको तुरंत वहाँ ले जा सकते हैं। पूरी तरह से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, हम लोग इस पे तुरंत काम कर भी रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। मैम, आपका जो इलाका जहाँ घटना हुई है वहाँ सभी मकानों में बेसमेंट है और 10 से 15 20 लोग रहते हैं मैम, और ये 4 साल की बच्ची जिसने दुनिया नहीं देखी मैम, बड़ा दुखद घटना है। बहुत दुखद घटना हुई नहीं, तो इसको किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो घटना हुई बेसमेंट के अंदर, फिर जयपुर के अंदर वही घटना हो गई, उसको लेकर क्या मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है? मैंने आपको अभी बताया ना कि इस पे बहुत गंभीर तरीके से संवेदनशीलता से काम किया जाएगा, एक प्लानिंग के साथ, या तो इनसे बात कर रिलोकेशन का भी हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ये तो एरियाज लिवेबल नहीं, क्योंकि वो जो एक और घटना हुई थी वो भी इसी एरिया में हुई। अब डबल बेसमेंट इस एरिया में रहना मुझे नहीं लगता सेफ है। बात करके इनको देखा जाएगा क्या हो सकता है, और जहां हम लोग इनको रिलोकेट कर सके वो भी एक प्लानिंग होगी। उसके अलावा भी अभी जहां ये लोग रह रहे हैं यहां हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये दोबारा नहीं, ये इतना आसान नहीं है करना, सालों से ये चीजें चल रही है, इसको बदलना पड़ेगा और इस पे ध्यान देंगे। इनको मदद के लिए आपने भी प्रशासन वो भी है बिल्कुल, इसके लिए इनके मुआवजे के लिए भी उचित मुआवजा इनको दिया जाएगा। जी मैडम, मेरा